बालिकाओं के जन्म, परवरिश व सुरक्षा के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव लाने तथा वर्तमान परिवेश में लड़के की चाहत, दहेज के सामाजिक मापदंड, वंशावली, अंतिम संस्कार, संपत्ति व विरासत में लड़के को वरीयता तथा लिंग आधारित भेदभाव आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला मंडी में समय समय पर आम जन के व्यवहार परिवर्तन के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। बेटियों को समाज में उनका सही स्थान दिलाना ही इस योजना का उद्देश्य है। समाज में लड़कियों के घटते हुए लिंग अनुपात को कम करने के लिए वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत वर्ष 2018 में मानव श्रृंखला द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा सेव द गर्ल चाइल्ड का संदेश दिया गया एवं वर्ष 2019 में एक साथ 1008 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला कार्य समिति द्वारा एक और पहल की गई है, जिसके अनुसार जिला प्रशासन मंडी द्वारा हमारी बेटी हमारा सम्मान वेलकम बोर्ड की पंचायत स्तर पर शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सफल गर्ल चाइल्ड की अचीवमेंट की सराहना करके दूसरी बालिकाओं को प्रोत्साहित करना तथा परिवार व समाज को बालिकाओं पर गर्व महसूस करवाना है। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है क्योंकि उसके नाम की पट्टिका जो हमारे ग्राम पंचायत बग्गी में पंचायत द्वारा लगाई गई है, पंचायत द्वारा हमें सम्मानित किया गया है और मेरी बेटी की उपलब्धि मेरे लिए व मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। इसका अन्य उद्देश्य पंचायत को बालिका के नाम से पहचानना है। ये वेलकम बोर्ड जिला मंडी की सभी ग्राम पंचायतों में लगाया गया है, जिसमें बालिका का नाम, उसके माता पिता का नाम उसकी अचीवमेंट के साथ लिखा गया है, ताकि समाज के अन्य लोगों को भी बालिकाओं के उत्थान व उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर डॉली राणा है और मैं सिविल हॉस्पिटल जिंजैरी में एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क करती हूँ। मेरी MBBS IGMG शिमला से हुई है एंड मेरी जो नर्सरी एंड KG जो है वो SDM थनाल से हुई है एंड फर्दर हायर एजुकेशन मेरी DAV गोपाल से हुई थी। तो सरकार और पंचायत एंड जो महिला एवं बाल विकास विभाग के जो लोगों ने मेरा बोर्ड जो लगवाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोर्ड पंचायत में जो लगवाया हुआ है उससे मुझे काफ़ी खुशी मिली और उससे मुझे लगता है कि जो गांव के लोग जो हैं वो भी अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे ताकि वो भी नाम कमाएं, मेरी तरह ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाएं। इस पहल से समाज में बालिकाओं के लिए हमारी सोच सकारात्मक होगी और उनके माता पिता या सास ससुर को उनकी शिक्षा, खेल तथा कला के लिए उत्साहित करने में सहायता मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक नई पहल की है जिसका नाम हमने हमारी बेटी हमारा सम्मान रखा है। इस पहल के अंतर्गत हमने हमारे जिले की हर पंचायत में उस पंचायत में रहने वाली किसी जो हमारी बेटी है जिसने कोई उत्तीर्ण कार्य किया है उसके नाम से एक बोर्ड लगवाया है और उस पे उसके उत्तीर्ण कार्य को और उसके माता पिता का नाम भी अंकित किया है। इस पहल में हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो बेटियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैले और हमारी बच्चियों को जो उनका एक अच्छा कार्य करने की एक क्षमता है उसको बढ़ावा मिले। इससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस बेटी के जरिए हमारी बाकी बच्चियों को भी एक प्रोत्साहन मिले, एक प्रेरणा मिले, उस बच्ची का भी जो हम मान सम्मान करना चाहें उसको भी वो मिल सके और ऐसे उसके जो पेरेंट्स हैं जो उनके माता पिता हैं उनको भी एक ऐसा एक प्रोत्साहन मिले कि वो आगे हर दूसरे माता पिता को प्रेरणा दे और प्रोत्साहन दे कि वो अपनी बच्ची को पढ़ाएं, उसको आगे जाने में सहायता दें ताकि वो बच्ची बड़ी होकर उनका नाम रोशन कर सके। और इसका हमारा जो एक यही एक कार्य करने का मकसद है कि हमारा समाज हमारी बेटियों की ताकत उनकी ताकत को पहचाने और उनको आगे बढ़ने में सही होंगे। बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के अपना योगदान दे रही है और उसमें हम सब लोगों को आगे बढ़कर के उनको प्रोत्साहित करने की जो आवश्यकता है उसके लिए मेरा सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हम उसके लिए आगे बढ़कर के जो है पूरा सहयोग करें।